आज मैं आपको स्विफ्ट VXI मॉडल है ये, जैसे देख सकते हैं आप VXI मॉडल के जो भी फीचर्स हैं इसके अंदर, इंटीरियर एक्सटीरियर फीचर्स से जो भी है इसके अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको बहुत दिनों से इंतजार था न्यू स्विफ्ट का, तो चलिए न्यू स्विफ्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है मैं दे देता हूँ आज। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये टेल लाइट, आपको देख सकते हैं ये टेल लाइट मिल जाती है आपको। ये स्विफ्ट का लोगो सिल्वर क्रोम के साथ, ये सुजुकी का लोगो मिल जाता है आपको। ये हाई हाई माउंट स्टॉप लैंप पे मिल जाता है, देख सकते हैं आप जैसे। और ये बम्पर और ये साइड लाइट देख सकते हैं जैसे आप। और ये आपको व्हील मिलते हैं VXI में, आपको व्हील मिलेंगे। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलती है और आपको 14 इंचज़ के टायर मिल जाते हैं व्हील कवर के साथ, देख सकते हैं आप। व्हील कवर सिल्वर कलर का मिलेगा आपको। और ये डोर खोलने का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, यहाँ से आप डोर खोल सकते हैं। पहले वाली स्विफ्ट में यहाँ था और ये आपको यहाँ मिल जाता है। मैं साइड से एक लुक दे देता हूँ आपको। साइड लुक कुछ ऐसा लगता है गाड़ी का, देख सकते हैं आप। साइडों से देख सकते हैं गाड़ी जो बेटर, काफ़ी बेटर फील कर रही है गाड़ी, देख सकते हैं आप। साइड से काफ़ी बेटर दिख रही है गाड़ी। और ये आपको देख सकते हैं आउट साइड मिरर यहाँ मिल जाते हैं इंडिकेटर के साथ, देख सकते हैं आप। आउट साइड मिरर इंडिकेटर के साथ यहाँ मिल जाते हैं आपको। और देख सकते हैं फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, जैसे मैंने बताया फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगी। और ये देख सकते हैं फ्रंट से लुक देता हूँ एक गाड़ी का। फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी, देख सकते हैं आप। और ये आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट क्रोम इंसर्ट के साथ मिल जाती है आपको। क्रोम फिनिश दी गई है, इनसाइड इंसर्ट क्रोम फिनिश है इसके अंदर हेडलाइटों में। और ये आपकी हेडलाइट, ये इंडिकेटर देख सकते हैं आप जो काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये आपको ग्रिल और फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं दिया गया है, फॉग लैंप नहीं दिए गए हैं VXI में। फॉग लैंप आपको ZXI और ZXI+ में ही मिलते हैं। और ये देख सकते हैं आप क्रोम मिल जाता है। और ये देख सकते हैं आपको ये ग्रिलें चेंज कर दी गई हैं और ये आपको लोअर ग्रिल मिल जाती है, देख सकते हैं काफ़ी बेटर लुक दे रही है गाड़ी, देख सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार और साइड से भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। जैसा कि ये सुपीरियर वाइट कलर है गाड़ी का, सुपीरियर वाइट कलर गाड़ी का, देख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने बताया सुपीरियर वाइट कलर है गाड़ी का, देख सकते हैं। साइडों से भी एक लुक दे दे रहा हूँ गाड़ी की, तो आप क्या आपको अच्छी लगी है, देख सकते हैं आप। साइडों से भी लुक दे दे रहा हूँ गाड़ी की, साइड लुक कुछ ऐसी लगती है, देख सकते हैं आप। ये आपका फ्यूल टैंक है, यहाँ से फ्यूल भरवा सकते हैं आप। चलिए बूट स्पेस देख लेते हैं, बूट में क्या क्या मिल जाता है आपको। चलिए बूट खोल लेते हैं, बूट में देखते हैं क्या क्या मिल जाता है आपको। बूट खोलेंगे तो आपको देख सकते हैं आप, जैसे आपको यहाँ रियर पार्सल ट्रे मिल जाती है, देख सकते हैं आप। रियर पार्सल ट्रे यहाँ मिल जा रही है आपको, काफ़ी बेटर है, देख सकते हैं आप। और ये आपको टूल किट मिल जाती है, टूल किट देख सकते हैं आप। यहाँ हुक का ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं आप। 268 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है आपको, 268 लीटर का। और ये आपका देख सकते हैं आप स्पेयर व्हील मिल जाता है आपको। रेड डोर के इंटीरियर में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। रेड डोर देख सकते हैं, बोला आपको यहाँ से खुलेगा रेड डोर, देख सकते हैं आप। यहाँ ऑप्शन दिया गया रेड डोर खुलने का। रेड डोर के इंटीरियर में देख सकते हैं आप, आपको पावर विंडो मिल जाते हैं क्रोम इंसर्ट के साथ, देखते हैं क्रोम फिनिश के साथ मिल जाते हैं आपको। क्रोम फिनिश दी गई है। और ये आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, कप बोतल होल्डर देख सकते हैं आप। ये आपको स्पीकर मिल जाते हैं, चारों डोरों में मिलेंगे आपको स्पीकर। और ये कुछ ऐसा लुक दे देता हूँ मैं गाड़ी के इंटीरियर का, देख सकते हैं बाहर से। और फिर अंदर चलते हैं गाड़ी के, गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं आप देख सकते हैं आप, देख सकते हैं लेग रूम काफ़ी बेटर है, देख सकते हैं आप। काफ़ी बेटर लेग रूम दिया गया है, पिछली वाली शिफ्ट से ज़्यादा लेग रूम मिल जाता है इसमें। पुराने वाली शिफ्ट से काफ़ी बेटर लेग रूम मिल जाता है आपको, देख सकते हैं आप। यहाँ आपको ग्लास होल्डर कप होल्डर मिल जाता है आपको, देखिए काफ़ी बेटर है। और ये साइडों में भी आपको देख सकते हैं सिल्वर क्रोम मिल जाता है। और ये देखिए आप पावर विंडो मिल जाता है चारों डोर स्पीकर के साथ, बोतल होल्डर के साथ, देख सकते हैं आप। जैसे बोतल होल्डर दिया गया है। और ये आपको पीछे की सीटें जो है हेड एडजस्टेबल नहीं मिलती आपको, पीछे की सीटें एडजस्टेबल नहीं मिलती। और ये आपको ग्रिप असिस्टेंट मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप, ग्रिप असिस्टेंट मिल जाते हैं साइडों में। फ्रंट की सीटें जो हैं, फ्रंट की सीटें हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप आसानी से, है ना, हेड एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट की सीटों में हेड एडजस्टर दिया गया है। तो चलिए हम फ्रंट डोर में चलते हैं, फ्रंट डोर में देख लेते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में क्या क्या मिलता है आपको। फ्रंट डोर के इंटीरियर में जैसे देख सकते हैं आप, देखिए क्रोम फिनिश दी गई है लॉक अनलॉक। और ये देख सकते हैं आप काफ़ी बेटर है।
और ये आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, बोतल कैरी कर सकते हैं यहाँ पे, स्पीकर मिल जाता है आपको, ये कुछ पेपर वगैरह यहाँ रख सकते हैं आप आसानी से, ये पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों डोर देख सकते हैं आप जैसे, और ये ऑटो का मिल जाता है, ऑटो ऑटो डाउन कर सकते हैं यहाँ से, लॉक और अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से गाड़ी गाड़ी डोरों को, और ये आपका ग्लास लॉक मिल जाते हैं, ग्लास लॉक कर सकते हैं यहाँ से, और ये देख सकते हैं आप, ये आपको आई आउटसाइड रियर व्यू मिरर एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं आप जैसे लेफ्ट राइट एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आपको देखती है आपको यहाँ हाइट एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट दिया गया है, ये सीट फोल्ड कर सकते हैं आप फ्रंट की सीटों को। देखिए आपको साइड ग्रिल मिल जाती है, देख सकते हैं आप साइड ग्रिल दी गई है शेप में, यहाँ भी आपको एक ब्लोर मिल जाता है देख सकते हैं जैसे आप, नीचे भी दिखा देता हूँ आपको, देखिए ब्रेक पैडल, क्लच पैडल और एक्सेलेटर पैडल दिए गए हैं, ये आपको यहाँ देख सकते हैं आप, लाइट हेडलाइट एडजस्टर दिया गया है, हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए मीटर की बात कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं आप, आपको 220 की स्पीड दी गई है, और ये आपका स्पीडोमीटर मिल जाता है देख सकते हैं आप, सिल्वर फिनिश के साथ, सिल्वर फिनिश दी गई है पूरी, काफ़ी बेटर लुक दे रही है, इंसर्ट में भी सिल्वर फिनिश मिल जाती है आपको, और ये छोटा सा डिजिटल मीटर दिया गया है जो आपको क्लॉक बताएगा, फ्यूल बताएगा, और आपको किलोमीटर भी बताएगा देख सकते हैं आप, और ये देखिए आपको यहाँ पे आरपीएम मीटर मिल जाता है, और ये कुछ लाइटें दी गई है, माल फंक्शन की लाइट है, सीट बेल्ट की लाइट है, और ये बैटरी की लाइट है, और ये ऑयल प्रेशर की लाइट है, और ये भी देखिए आप क्रोमो के साथ मिल जाती है आपको, सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है, ये देखिए काफ़ी बेटर लुक दे रहा है देख सकते हैं आप जैसे कि, काफ़ी बेटर लुक है, देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की काफ़ी बेटर लुक है, और ये देख सकते हैं आप, आपको पैडल्स मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये लाइट के पैडल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से आप, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको वाइपर पैडल्स मिल जाते हैं, वाइपर ऑन ऑफ कर सकते हैं आप आसानी से यहाँ से, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, आपको देखिए सिल्वर फिनिश मिल जाती है देख सकते हैं आप, क्रोम की इंसर्ट के साथ सिल्वर फिनिश, सुजुकी का लोगो मिल जाता है जैसे देख सकते हैं, ग्रिप देख सकते हैं आप जैसे कि, ग्रिप काफ़ी अच्छी बनाई है इसकी, स्टीयरिंग और ये सिल्वर इंसर्ट मिल जाते हैं देख सकते हैं आप, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप स्टीरियो को, स्टीरियो कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलर यहाँ पे दे दिया गया है, स्टीरियो कंट्रोलर यहाँ मिल जाता है आपको, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, डिसकनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, हैंडलिंग पे ही आपको, स्टीयरिंग हैंडलिंग पे ही आपको मिल जाते हैं पूरे कंट्रोल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको हैंडलिंग पे ही, ये देखिए फिनिश काफ़ी बेटर है, ये भी अच्छा दिया गया है, और ये आपको देख सकते हैं टॉयलेट स्टीयरिंग भी मिल जाता है आप देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ, टॉयलेट स्टीयरिंग भी दिया गया है, ये देखिए ऑप्शन है, ये ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, अपने एडजस्ट कर सकते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, तो काफ़ी बेटर ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी बेटर है, और ये आपको SRS से एयर बैग भी मिल जाता है देख सकते हैं आप, SRS एयर बैग ये देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाता है आपको, ये आपको, और ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये ब्लोर मिल जाते हैं देख सकते हैं आप जैसे कि, ये सिल्वर इंसर्ट के साथ ब्लोर मिल जाते हैं आपको, सिल्वर देख सकते हैं, सिल्वर इंसर्ट है ब्लोरों पे, और ये आपको 1000 यहाँ दिया गया है, काफ़ी चेंज किया गया है पहले से, पहले वाली शिफ्ट थी उसमें ब्लोर साइडों में दिए गए थे, ये देखिए आपको गोल शेप में दिए गए हैं, बिल्कुल गोल शेप में है सिल्वर इंसर्ट के साथ देख सकते हैं जैसे आप, और ये ग्रे फिनिश दी गई है, फिनिश ग्रे पियानो फिनिश ग्रे फिनिश दे दी गई है जो काफ़ी बेटर लुक दे रहा है, और ये आपको साइड ब्लोर मिल जाता है, ये देखिए डुअल एयरबैग दिए गए हैं, एक देख सकते हैं लेफ्ट साइड में है, को ड्राइवर साइड आपको एयरबैग मिल जाता है, अब हम ग्लो बॉक्स से देख लेते हैं, ग्लो बॉक्स देखिए काफ़ी स्पेसी ग्लो बॉक्स बनाया गया है, ग्लो बॉक्स में काफ़ी अच्छा सामान स्पेसी मिल सामान रख सकते हैं आप आसानी से, और ये देख सकते हैं सिल्वर क्रोम मिल जाता है साइडों के डोरों पर भी, और ये देख सकते हैं आप जैसे देख सकते हैं आप यहाँ बोतल होल्डर मिल जाता है लेफ्ट साइड में भी आपको को ड्राइवर साइड, और ये आप पेपर वर्क क्योंकि छोटा मोटा कुछ भी रख सकते हैं आप आसानी से, आप स्टीरियो पे आ जाते हैं देखिए इंफोटेनमेंट सिस्टम, यहाँ से आप सीडी प्लेयर कर सकते हैं, सीडी डाल सकते हैं, यहाँ से सीडी का ऑप्शन दिया गया है, FM का ऑप्शन दिया गया है, AM का ऑप्शन दिया गया है, मीडिया प्लेयर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सिल्वर इंसर्ट दिया गया है, नोवो पे देख सकते हैं आप जैसे,
और ये कुछ बटन्स दिए गए हैं, ब्लूटूथ भी कनेक्ट भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है, कनेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया गया है आपको, VXI गाड़ी है इसलिए, ZXI में आपको ऑटो मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल। और ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये नीचे आते हैं तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे 12 वोल्ट है, सिगरेट लाइटर मिल जाता है, ये USB ऑक्स से कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं ग्लास होल्डर, बोतल होल्डर मिल जाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा स्पेस दे दिया गया है। और ये आपको 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स देख सकते हैं आप, और ये सिल्वर कंसोल बॉक्स पे देख सकते हैं आप, जैसे कि सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है आपको, जो काफ़ी अच्छी फिनिश दी गई है। और ये देख सकते हैं आप, हैंड ब्रेक लीवर मिल जाता है आपको क्रोम फिनिश के साथ, देख सकते हैं आप जैसे। और ये मैंने बताया आपको ग्लास होल्डर पीछे दिया गया है, आर्मरेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, आर्मरेस्ट नहीं मिलता आपको, आर्मरेस्ट कोई ऑप्शन नहीं मिलता इसमें। फ्रंट से ऊपर ये देखिए आप रूफ के, ये देखिए फ्रंट फ्रंट में देखेंगे आप तो आपको सनवाइजर मिल जाता है, ड्राइवर साइड सनवाइजर मिल जाता है आपको। और ये देख सकते हैं आपको, ये आपको कैबिन लाइट मिल जाती है, रीडिंग लाइट के जिसे कहते हैं। और ये देख सकते हैं आप, IRVM मिल जाता है, इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है आपको। और ये लेफ्ट में देख सकते हैं आप, लेफ्ट में भी सनवाइजर मिल जाता है, वेनिट्री मिरर के साथ सनवाइजर मिलता है आपको, जो काफ़ी बेटर लुक दे रहा है। ये ग्रिप असिस्टेंट मिल जाता है, और ड्राइवर साइड ग्रिप असिस्टेंट भी मिल जाता है। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, ये रियर की सीटों में जो पैसेंजर सीट है उसमें आपको देख सकते हैं आप, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन दिया गया है, चाइल्ड सीट बेल्ट लॉक का ऑप्शन मिल जाता है आपको, देख सकते हैं। जैसे ये देखिए बच्चों के लिए दिया गया है, चाइल्ड बच्चों के लिए रियर सीट में दिया गया है, पैसेंजर सीट में जैसे आपके बच्चे हैं तो ये सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया गया है, सीट बेल्ट लगा सकते हैं बाहर से आप आसानी से, ताकि आपके बच्चे सेफ्टी रहे, सेफ्टी फीचर्स के अंदर आए। चलिए अब इंजन रूम की बात करते हैं, इंजन रूम में देख सकते हैं आप, आपको 4 सिलेंडर गाड़ी है ये, 1197 cc का इंजन मिल जाता है आपको, 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको, 268 लीटर का बूट स्पेस है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 37 लीटर की मिल जाती है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी। पावर आपको 82 bhp की, 82 bhp 6000 rpm, और टॉर्क आपको 113 Nm 4200 rpm पे। के सीरीज इंजन है, जैसे आप देख सकते हैं के सीरीज इंजन दिया गया है, डुअल फ्रंट एयरबैग दिया गया है जैसे मैंने बताया, और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है इसके अंदर, जैसे आपको पता ही होगा जैसे मैंने बताया आपको। ये देखिए जैसे कॉइल स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग दी गई, कॉइल दी गई है, देख सकते हैं आप कॉइल भी इसमें। और ये आपको देख सकते हैं काफ़ी बेटर लुक है, काफ़ी इंजन की काफ़ी बेटर लुक है, ये आपके बैटरी बैटरी है, और ये आपके फ्यूज बॉक्स मिल जाता है आपको। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देता रहूँ। धन्यवाद।